नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। जान माल की सुरक्षा के लिए लगाई गुहार। वाराणसी जिले के कपसैडी थाना अंतर्गत नहवानीपुर ग्राम सभा से गंगाधर पटेल द्वारा शासन प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया गया कि ग्राम सभा नहवानीपुर में ही जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनके ही गांव के कुछ दबंग किस्म के व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन द्वारा कहीं कोई मदद नहीं मिल रही है। गंगाधर पटेल ने मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक स्पीड पोस्ट करके अपनी जान माल की गुहार लगाई है। वहीं पर मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। कपसेटी थाने के एक एसआई विनय यादव ने भी फोन पर कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं, जिसको लेकर गंगाधर पटेल काफी डरे व सहमे हुए हैं। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज। जी अपना नाम बताएं पूरा। श्रीमान जी, मेरा नाम गंगाधर पटेल। गंगाधर पटेल मेरा नाम है और दूसरा नाम मेरे पिताजी का नाम राजा राम पटेल। मैं ग्राम नहवानीपुर थाना कपसेटी के रहने और जिला वाराणसी के रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपके सामने? समस्या यही है कि हमारे जो है जमीन विवाद चल रहा है। कौन सा जमीन है, कितना जमीन है, टोटल जमीन कितनी है? 24 बीघा जमीन है सर। किससे विवाद चल रहा है आपका? सुरेश कुमार यादव और रमेश कुमार यादव जी से। किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? ग्राम नहवानीपुर। ग्राम सभा के नहवानीपुर यहाँ के हैं जी। कैसे विवाद है, कैसा विवाद है ये? ऐसा है सर कि वो फर्जी ढंग से बैनामा कराए हैं पूरा। किससे बैनामा करवाए हैं? हमारी बड़ी माता जी से झुरिया देवी से कराए हैं जी। और जिसमें 6 नंबर का बैनामा कराए हैं, एक भी चौहद्दी नहीं दिए हैं। और जो उसमें चौहद्दी एक दिए हैं वो फर्जी ढंग का, वो सरकारी संपत्ति 376 नंबर बाघहु बौड़म का फील्ड है, बाघहु बौड़म का खेत है। उसके बाद 5 नंबर जो है उसमें SDM साहब राजा तालाब सिद्धार्थ जी से अथुआ हुआ था, उसमें हमारे मतलब उसको निरस्त करके वो हमारे पक्ष में कर दिए हैं। आपके पक्ष में किए हैं? हाँ वो हमारे पक्ष में कर दिए हैं इस समय। अच्छा ये बताइए, जब बैनामा करवाते तो उसका कुछ पेमेंट भी दिए थे? हाँ, पैसा दिखाया गया है, लेकिन उसमें 35 लाख की संपत्ति है, उसको 8 लाख दिखाए हैं, दोनों में 6 लाख RTGS किए हैं। लेकिन हमको लगता है कि RTGS नहीं किए हैं, सब फर्जी ढंग से करा है। पैसा हमको लगता है मिला नहीं है हमको। क्या आपको धमकी भी दिया जा रहा है? हाँ सर, मैं आता हूँ तो रास्ते में राहुल कुमार यादव, कन्हैया यादव, सुरेश कुमार यादव, रमेश कुमार यादव हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ आपने कोई किसी अधिकारी को सूचना दी है? हाँ इसके विषय में? हाँ सर, मैंने दिया हूँ। किसको दिया? मैं सर मुख्यमंत्री महोदय जी को दिया हूँ, पुलिस अधीक्षक वाराणसी दिया हूँ, DIG साहब वाराणसी मंडल को दिया हूँ, और मुख्य सचिव लखनऊ को दिया हूँ, DGP लखनऊ को मैं दिया हूँ सर, मानवाधिकार लखनऊ को दिया हूँ सर, राज्य महिला आयोग लखनऊ को दिया हूँ सर, अनुसूचित जाति जनजाति जो है लखनऊ के दिया हूँ सर, रजिस्टर महोदय उच्च न्यायालय प्रयागराज को सर दिया। आप चाहते क्या हैं सर? मैं यह चाहता हूँ सर, जब ये फर्जी ढंग से कराए हैं जमीन जो है, न तो चौहद्दी है, न कुछ है, उसमें मामला विचाराधीन जब कोर्ट में चल रहा है सर। अच्छा, न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है सर जी। और ये जो 145 वाला जो था, मैंने SDM साहब को यहाँ कपसेटी थाने से रिपोर्ट लगा के गई थी कि ये गुरु किया जाए, तो ये जब SDM साहब ने सब में साक्ष पूरा दिया तो SDM साहब ने उसको खारिज करके उसको अथवा कर दिए, मतलब कि ये फर्जी ढंग का वो दिखा दिए उसमें। सर ये मैं कहना चाहता हूँ सर आप लोगों से, जब हमारा कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है मामला जो है, तो पुलिस का हमारे घर पे आके परेशान करना क्यों ऐसा कर रहे हैं? कौन आया था पुलिस? पुलिस जो आए थे SI विनय कुमार यादव हमारे घर पे आए, हम थे बाहर और फोन से हमसे उनसे बात हुआ, तो कहे ये बात कि हम बताए सर ऐसे ऐसे मेरे जान माल की सुरक्षा के लिए मैं आपसे गुहार लगाया हूँ। बोले नहीं आया है कोर्ट में मुख्यमंत्री ये सबका आया है, आप जहाँ जहाँ गए हैं। तो मैंने कहा सर हमारी जान का खतरा है, सुरेश कुमार यादव, राहुल कुमार यादव, कन्हैया यादव, रमेश कुमार यादव कहीं भी हमारी जान से हत्या करा सकते हैं। तो उसने क्या कहा, बिना कुमारा या साय साहब बोले तो ऐसी बात हो तो बोलिए, हम फोर्स लगवा दें, पैसा खर्च करिए आप। तो सर बताइए, आप लोगों से नम निवेदन है सर, पत्रकार मीडिया कर्मी से आप लोग सर निवेदन है कि हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए, और सबको ये चीज़ आप लोग थोड़ा अपने अपने हिसाब से सबको कह दीजिए हर जगह,
और उसमें जो है सुरेश कुमार यादव, रमेश कुमार यादव, राहुल यादव, कन्हैया यादव कभी भी मेरी हत्या करवा सकते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।